कुछ दिनों पहले एक मदर अपने 6 साल के बेटे के साथ मेरे पास एक समस्या लेकर आई। उसने बताया उसका यह बेटा अभी तक अंगूठा चूसता है। हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट सीरीज के आज के टॉपिक के बारे में मालूम लग गया होगा। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, इस टॉपिक का नाम है थंब सकिंग, यानी बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत का होना। अक्सर पेरेंट्स के मन में बच्चों को थंब सकिंग करते देख यह प्रश्न उठता है कि अंगूठा चूसना क्या सही है। कभी कभी तो पेरेंट्स इस बात से भ्रमित रहते हैं कि शायद बच्चों के दांत निकलने वाले हैं इसलिए वह ऐसा कर रहा है। यह कितना सही है और कितना गलत, आइए जानते हैं। सभी पेरेंट्स को सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि थंब सकिंग या बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत का होना कोई डिजीज यानी कोई बीमारी नहीं है। यह बस एक आदत है जिसे छुड़वाया जा सकता है। अब यह सवाल उठता है कि इसे कब तक छुड़वाया जाना चाहिए, या यूं कहें कि बच्चों में यह आदत कब तक छूट जानी चाहिए, यानी यह प्रक्रिया कब तक नॉर्मल है। एक उम्र तक सभी बच्चे थंब सकिंग करते हैं। बेसिकली यह एक प्रकार का रिफ्लेक्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रिफ्लेक्स क्या होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप बच्चों के गाल पर उंगलियां घुमाते हैं तब आप देखेंगे कि बच्चा अपना मुंह घुमाकर उस उंगली को मुंह में डालने की कोशिश करेगा। यह किस कारण से हुआ? यह बच्चों में रिफ्लेक्स की वजह से हुआ, यानी इस रिफ्लेक्स की वजह से ही वह खुद को सिक्योर फील करता है और इस रिफ्लेक्स की वजह से ही वह ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता है। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या बच्चों में इस रिफ्लेक्स का होना अच्छी चीज़ है, या बच्चे का अंगूठा चूसने की आदत क्या यह नॉर्मल है? अगर बच्चा थंब सकिंग को 3 साल तक कर रहा है तो यह नॉर्मल माना जाता है, परंतु अगर बच्चा इस हैबिट को इस एज के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, यानी बच्चे में 4 साल के बाद भी यह आदत बनी हुई है, तो यह बच्चों के दांतों के साथ साथ जबड़े की शेप पर भी असर डालना शुरू कर देता है। अब विचारने वाली बात यह है कि बच्चों के दांत पर और बच्चे के जबड़े पर असर डालने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, या ये कहें कि ये कैसे पता करें कि बच्चों के दांत पर और जबड़े पर कितना फर्क आएगा। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चा अंगूठे को कितनी देर तक सक कर रहा है और बच्चा अंगूठे को कितना सक कर रहा है। बच्चा जब अंगूठे को चूस रहा होता है तो उस दौरान ऊपर वाले दांत पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाले दांत आगे की तरफ उठने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी बच्चा अंगूठे को पूरा मुंह में रखकर चूसने लगता है, जिसकी वजह से तालू पर भी यह प्रेशर बनने लगता है, जिसमें दांत के साथ साथ ऊपर वाले जबड़े की शेप में भी बदलाव आने लगता है और तालू अंदर की ओर धंसने लगता है। इस डीप थंब सकिंग के दौरान बच्चा अगर अंगूठे को नीचे वाले दांतों पर रेस्ट करके रखता है तो इससे नीचे वाले दांत भी अंदर की ओर झुकने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से सामने के ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों में गैप आ जाता है। और कभी कभी तो बच्चा पैरेलल में टंग थ्रस्टिंग की भी आदत शुरू कर देता है, यानी अब बच्चा जीभ से दांत और तालू को अंदर से बार बार छूने लगता है, जिसकी वजह से भी ऊपर वाले दांत का उठाव और बढ़ने लगता है। वैसे तो बच्चों में यह हैबिट 3 साल की उम्र के बाद खुद ही खत्म हो जाती है, पर प्रश्न यह बनता है कि बच्चा नॉर्मल एज के बाद भी हैबिट नहीं छोड़ता है तो पेरेंट्स अपने स्तर पर किस तरह से उसे छुड़वा सकते हैं। पेरेंट्स को सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों में यह आदत एंजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों को डांटने, फटकारने या डीमोटिवेट करने की बजाय काउंसलिंग करने का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स लगातार उसे डांटेंगे और आदत छोड़ने के लिए धमकाएंगे तो हो सकता है बच्चा इस आदत से कभी भी खुद को अलग ना कर पाए और इसमें और अधिक इन्वॉल्व हो जाए। इसलिए बच्चों को साइकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बच्चों को हैबिट छोड़ने और कम करने के रूप में गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और खुद इस आदत को छोड़ने के लिए बच्चा कोशिश करेगा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पेरेंट्स को यह भी सलाह दूंगा
कि वह बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड जरूर करें और उनके साथ उनका पसंदीदा खेल खेलें, जिससे उनके अंदर के एंजाइटी, फियर और अकेलेपन को ख़त्म किया जा सके और इस आदत से डील किया जा सके। साथ में पेरेंट्स बच्चों के अंगूठे पर कुछ ऐसी चीज़ भी लगा सकते हैं जिससे उस अंगूठे से बुरी तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाए, और बच्चा जब अंगूठा चूसने के लिए हाथ को आगे लेकर आएगा तो उस बदबू की वजह से अंगूठे को मुंह में नहीं रखेगा और धीरे धीरे वह आदत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अक्सर बच्चे रात को सोते समय अंगूठे को मुंह में रखते हैं और लगातार शक करते रहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स सोने के दौरान बच्चे को बड़ी बाजू की शर्ट पहनाकर सुला सकते हैं, जिससे वह नींद में भी अंगूठे को शक नहीं कर सकेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इन सभी उपायों के बाद भी बच्चा खुद को इसमें इन्वॉल्व रखता है, तो पेरेंट्स डेंटिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें डेंटिस्ट के द्वारा हैबिट ब्रेकिंग अप्लाइंस लगाए जाते हैं ताकि उनमें लगी हुई तार अंगूठे को मुंह में जाने से रोके, और जब बच्चा अंगूठे को मुंह में रखे तो मुंह में रखने के दौरान वह तार बच्चे के हाथ में चुभे और धीरे धीरे बच्चे की यह आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पेरेंट्स मुझे आशा है कि यह पॉडकास्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप इस पॉडकास्ट से जुड़ी कुछ और अन्य जानकारी चाहते हैं तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।